संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में सदन में भारी हंगामा हो सकता है। विपक्ष दिल्ली हिंसा और अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए तैयार है। हालांकि सरकार अपने विधायकी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, जिसमें सरोगेसी से संबंधित बिल और टैक्स से संबंधित विवाद शामिल है। अनुच्छेद 370 को निरस्त होने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य में तब्दील करने के बाद जम्मू कश्मीर का पहला बजट सत्र आज संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में बजट पेश करेंगे। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के दो अलग अलग बजट होंगे। वहीं आधिकारिक सूत्रों का दावा, जहां जम्मू कश्मीर का वार्षिक बजट 1.2 लाख करोड़ रुपए को पार कर जाएगा, तो वहीं लद्दाख देश के अन्य केंद्र शासित प्रदेश की तरह केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से अलग बजट होगा। निर्भया गैंगरेप केस के दोषी पवन कुमार गुप्ता ने 3 मार्च की तय फांसी की तारीख टालने के लिए 2 दिन पहले क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की है, जिसको लेकर आज कोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि याचिका पर 5 न्यायाधीशों की पीठ चैंबर में विचार करेगी। निचली अदालत से जारी डेथ वारंट के मुताबिक मंगलवार को सुबह 6 बजे 4 दोषियों को फांसी होनी है। बाकी 3 के कानूनी विकल्प खत्म हो चुके हैं। पवन के पास राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का भी विकल्प बाकी है। बताते चले कि 16 दिसंबर की रात दिल्ली में चलती बस में पैरामेडिकल की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। छात्रा के इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। वहीं इस मामले में निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक 4 दोषियों मुकेश, अक्षय, विनय और पवन को फांसी की सजा सुनाई गई है। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा को लेकर रविवार शाम अचानक दिल्ली के कई इलाकों में दंगे की अफवाह फैल गई। सोशल मीडिया के जरिए फैल रही अफवाहों पर पुलिस अलर्ट हो गई और इसका खंडन किया। अफवाहों के बीच पश्चिमी रेंज की संयुक्त आयुक्त शालिनी सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूरा इलाका शांत है। दिल्ली हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली में सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब आज से कराई जाएंगी। बता दें कि हिंसा की वजह से हाल ही में सीबीएसई ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में बोर्ड परीक्षाओं को 29 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिछले दिनों हुई हिंसा के बाद रविवार शाम को फैली अफवाह को लेकर दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता MS रंधावा ने कहा है कि अफवाह फैलाने वाले कई लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमें पश्चिमी दिल्ली, दक्षिण पूर्वी दिल्ली, मदनपुर खादा, राजौरी गार्डन, हरिनगर और ख्याला से कुछ डराने वाली खबर मिली है। कृपया कर इन बातों पर भरोसा न करें। पुलिस सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग कर रही है। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गौतम बुद्ध नगर में पुलिस आयुक्त कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर में कभी बर्बर अपराध और भट्टा परसौल जैसी घटनाएं घटित होती थी, लेकिन आज जेवर और उसके आसपास का क्षेत्र दुनिया का सबसे सुंदर और विकसित शहर बनने की ओर अग्रसर है। बदलता हुआ उत्तर प्रदेश अब भाषणों में ही नहीं बल्कि हकीकत में दिखाई भी देने लगा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के लिए भी कभी नोएडा अभिशप्त नहीं था। 23 करोड़ जनता के हित में कार्य करने के लिए हमने इस मिथक को तोड़ा है। और यूपीपीएससी अभ्यर्थी आज बड़ा प्रदर्शन करेंगे। दरअसल नाराज यूपीपीएससी अभ्यर्थी लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। यूपीपीएससी की सुस्त और लाचार कार्यप्रणाली से पीड़ित अभ्यर्थियों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जा रहा है कि पिछले सालों में आई कई भर्तियों में रोक और अनियमितता के चलते अभ्यर्थी आज पिक भवन का घेराव करेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान जन प्रमाण पत्र और सेना के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी करने के मामले में आज कोर्ट में पेश होंगे। बताते चले कि आजम खान जन प्रमाण पत्र की जालसाजी के एक मामले में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। रामपुर की स्थानीय अदालत ने बुधवार को आजम खान के अलावा उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 मार्च तक के लिए हिरासत में भेजा था। लखनऊ में शाइन सिटी कंपनी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। धोखाधड़ी समेत 21 मुकदमों में कंपनी के सीनियर प्रेसिडेंट को गिरफ्तार किया गया। एसआरएस चौकी इंचार्ज उमेश सिंह की टीम ने आरोपी को ज्ञान प्रकाश उपाध्याय को गिरफ्तार किया। राजधानी लखनऊ में कमिश्नरी लागू होते ही पुलिस सतर्क हो गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एसएसपी के नेतृत्व में छापेमारी की।
जहां मौके पर पुलिस ने 8 पेटी मिलावटी के देसी 380 पाउच और मिलावट के लगभग 100 खाली पाउच के साथ अन्य उपकरण भी बरामद किए। इसके साथ ही पुलिस ने मौके से 3 सेल्समैन को भी गिरफ्तार किया है। श्रावस्ती में एक सरकारी डॉक्टर को सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और गृहमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करना महंगा पड़ गया। बहराइच के अरुण कुमार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करके पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताते चले कि डॉक्टर संग्राम गौतम महिला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का प्रभारी है। आए दिन किसी न किसी पोस्ट को लेकर सुर्खियों में बने रहते थे। अमरोहा में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव से मिलने एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र सैदन गली आरोग्य मेले का शुभारंभ किया। डिप्टी सीएम ने बोर्ड परीक्षा को नकल मुक्त कराने का दावा किया। दिल्ली की हिंसा पर डिप्टी सीएम ने साफ कहा कि विपक्ष की एक सोची समझी साजिश है। बरेली जंक्शन पर एक युवक ने अपनी जान को जोखिम में रखकर एक बंदर की जान बचाई। दरअसल बंदर ओएचई लाइन में फंस गया था। बंदर को बचाने में करीब 40 मिनट तक ट्रेनों का संचालन बंद रहा। बंदर को बचाने वाले युवक का नाम धीरज पाठक है। बंदर को बचाए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस दौरान लोगों ने ताली बजाकर युवक की हौसला अफजाई की। बरेली जंक्शन का मामला है। गाजियाबाद के कविनगर इलाके से एडीएम एलए मदन गबरियाल से मारपीट की खबर सामने आई है। दरअसल यहां हरियाणा के जिंद इलाके के जयवीर सिंह नामक युवक ने एडीएम को क्रिकेट के बल्ले से पीटकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसके बाद एडीएम मदन गबरियाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले में डीएम अजय शंकर पांडे ने बताया कि आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है और एडीएम का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि फिलहाल इस बात का पता नहीं चल पाया है कि युवक ने एडीएम को क्यों पीटा। जांच के बाद ही पूरी बात पता चल पाएगी। मैनपुरी के भोगांव परिसर में 13 दिन पूर्व उप निबंधक कार्यालय में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम देने वाले 4 छात्र चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस से पकड़े गए चोरों के कब्जे से 92,000 रुपए की नकदी, 2 तमंचा, कारतूस, लोहे का बेलचा आदि सामान बरामद किया है। दरअसल एसपी ने प्रेस वार्ता कर बताया है कि भोगांव के उप निबंधन कार्यालय में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। चोर कमरे का ताला तोड़कर उसमें रखा कैश बॉक्स उठाकर ले गए थे। एसपी ने चोरी की वारदात का खुलासा करने वाली टीम को 10,000 का इनाम दिया। कांग्रेस के चलाए जा रहे किसान जन जागरण अभियान को हवा देने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बांदा पहुंचे। यहां उन्होंने आगामी 3 तारीख को होने वाले व्यापक प्रदर्शन में सम्मिलित होने के लिए लोगों से आह्वान किया है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि मौजूदा सरकार पूरी तरह से किसान विरोधी है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्ज के बोझ तले दबे हैं। दूसरी ओर सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के हवा हवाई दावे कर रही है। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। 7 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में देश विदेश के योग से जुड़े लोग शामिल होंगे। महोत्सव में उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज शामिल हुए। मेरठ में स्वाइन फ्लू से 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 71 लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है। मेरठ की 6ठी वाहनी पीएससी के 18 जवानों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हो चुकी है, जिनका इलाज मेरठ मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। जवानों के साथ साथ खांसी जुकाम से पीड़ित अन्य जवानों को भी आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है। मेरठ के सीएमओ डॉक्टर राजकुमार ने समस्त अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि स्वाइन फ्लू के मरीजों को अलग वार्ड में रखें। मुजफ्फरनगर के मीरापुर इलाके में टिकटॉक पर वीडियो बनाने के चक्कर में युवक ने जान गंवा दी। बताया जा रहा है कि टिकटॉक पर वीडियो बनाने के लिए युवक नहर में कूदा था। मामले का खुलासा तब हुआ जब मौत का ये टिकटॉक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। घटना की जानकारी होने पर पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकलवाया। मिर्जापुर में रेलवे के अधिकारियों ने किसानों द्वारा कब्जा की गई जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी लेकर भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंच गए और खड़ी गेहूं की फसल पर जेसीबी चलवाने लगे, जिस पर मौके पर पहुंचे किसान इसका विरोध करने लगे, जिस पर जमकर हंगामा हुआ। किसानों का आरोप है कि पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया। इसके साथ ही किसानों ने कहा कि फसल काटने के बाद खेत की नपाई होनी थी, इसके बाद जमीन का अधिग्रहण किया जाना था।
उन्नाव में पुलिस अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस की स्कीम चला रही है। उन्नाव एसपी ने नई तरकीब की निजात की, जिसमें उन्हें उन बड़े अपराधियों को निशाना बनाया गया जो जिले में अपराध का पर्याय बन चुके हैं। पुलिस ने पूरे जिले में उन अपराधियों के घरों पर जाकर मुनादी कराई और गांव वालों को इकट्ठा कर बताया कि बड़े अपराधी हैं जिनको जिला बदर किया गया है और अगर ये दिखे तो तत्काल सूचना दी जाए। देहरादून पुलिस की सूचना पर अलीगढ़ में जीआरपी ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 3 किशोरियों को पकड़ा है। देहरादून से भागकर ये लड़कियां अलीगढ़ के फेसबुक फ्रेंड से मिलने आई थी। बताया जा रहा है कि युवक ने लड़कियों से मिलने से इनकार कर दिया था। पुलिस ने लड़कियों को एनजीओ चाइल्ड लाइन को सुपुर्द कर दिया। पुलिस की सूचना पर देहरादून पुलिस और परिजन भी अलीगढ़ पहुंच गए। हरदोई की काशी राम कॉलोनी में इंडियन रोटी बैंक द्वारा गरीब बच्चों के लिए दूसरी बार नूडल्स डे का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को मैगी बनाकर खाने को दी गई। इसके साथ ही मैगी, चॉकलेट, पेस्ट्री, टॉफी और अन्य सामान, कॉपी, पेंसिल, स्टेशनरी आदि भी दी गए, जिसे पाकर बच्चे काफी खुश दिखे। बताते चले कि इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा ना सोए कोई अपना, इंडियन रोटी बैंक का सपना भूखा ना सोए कोई अपना है। अमेठी में ट्रक और टैंकर की जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके चलते टैंकर में भीषण आग लग गई। हादसे में ट्रक के ड्राइवर का पैर टैंकर में फंसने के कारण ड्राइवर जिंदा जल गया। फुर्सतगंज थाना क्षेत्र के नहर कोठी और इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के पास यह हादसा हुआ है। किसान जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत हमीरपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर 3 मार्च को पूरे प्रदेश में तहसीलों का घेराव किया जाएगा। उसके बाद कलेक्ट्रेट का घेराव होगा और मांगी नहीं मांगी गई तो गायों बछड़ों को लेकर मुख्यमंत्री आवास में पहुंचा दिया जाएगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि अंजाम चाहे जो भी हो, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। कांग्रेस किसान आयोग का गठन होने तक अपना ये आंदोलन जारी रखेगी। बरेली में सिपाही की हत्या के मामले में 15,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया है। ठहरिया जंगल के पास पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के दौरान बदमाश को पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलीगढ़ से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक दूध मुही बच्ची की उसकी मां ने ही बेरहमी से पटक पटक कर जान ले ली। बताया जा रहा है कि पति ने जब महिला को साड़ी दिलाने से मना कर दिया तो उसने अपनी ही 7 महीने की बेटी को मौत की घाट उतार दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी के महाराजगंज जिले में पोस्टमार्टम हाउस में कर्मचारी द्वारा शव के पोस्टमार्टम के नाम पर पैसे और शराब की वसूली करने का मामला सामने आया, जिसके बाद नाराज परिजनों ने जमकर बवाल काटा। हंगामा करने के बाद जिले में हड़कंप मच गया। परिजनों का आरोप है कि शव के पोस्टमार्टम करने के नाम पर उनसे पैसे की मांग की गई और जब वो देने के लिए तैयार नहीं हुए तो पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया गया। बाद में पुलिस ने आनन फानन में मामला शांत कराकर पैसा वापस करवा दिया। काशीपुर में वैश्य समाज द्वारा फूलों की होली और कृष्णलीला का आयोजन किया गया, जिसमें मथुरा से आए कलाकारों ने कृष्णलीला का मंचन किया और कार्यक्रम में मौजूद लोगों के साथ जमकर होली खेली। इस होली में महिलाओं सहित पुरुषों ने जमकर धमाल मचाया। कानपुर में 10वीं की छात्रा के साथ पड़ोसी युवक के रेप करने का मामला सामने आया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल के लिए भेज दिया। इसके साथ ही पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। वहीं एक बदमाश मौका मिलते ही फरार हो गया। बदमाश के पास से तमंचा, जिंदा कारतूस, कार बरामद हुई है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर मेरठ पुलिस के साथ रोडवेज बस स्टैंड के सामने एक होटल में छापेमारी की। पुलिस ने मौके पर वैश्यवृत्ति के आरोप में होटल मालिक समेत होटल स्टाफ के 3 सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने वैश्यवृत्ति करने वाली 2 युवतियों को भी हिरासत में लिया है। मुजफ्फरनगर में कूड़े के ढेर पर गाड़ी का पहिया चढ़ने से ब्लास्ट हो गया। ब्लास्ट के दौरान बिखरे केमिकल से 4 व्यापारी झुलस गए, पर गनीमत रही कि जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। कौशाम्बी के चरवा थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान एक 50,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जिसको कड़ी सुरक्षा के बीच अस्पताल में भर्ती कराया गया। पकड़े गए बदमाश कई मामलों में फरार चल रहा था।
लखनऊ के अरावली मार्ग स्थित एसीपी ऑफिस की बिल्डिंग में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। लखनऊ में एसीपी गाजीपुर दफ्तर की इमारत में ये आग लगी, जहां अरावली मार्ग के शिवालिक कॉम्प्लेक्स में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। नगर निगम का नया बजट तैयार हो गया है। इस बार 19 अरब का बजट बना है। ये बीते साल के बजट 22 अरब से 3 अरब रुपए कम है। 350 करोड़ रुपए देनदारी वाले इस बजट को 2 मार्च को नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। कार्यकारिणी सदस्यों को बजट का एजेंडा जारी कर दिया गया है। बजट में किसी नए कर का प्रावधान तो नहीं किया गया, लेकिन गृह कर से आमदनी का बजट 50 करोड़ बढ़ा दिया गया है। अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए नगर निगम ने जो बजट तैयार किया है, उसमें इस बार बढ़ोतरी नहीं हुई है, बल्कि 3 अरब की कमी की गई है। देहरादून नगर निगम का हाउस टैक्स कलेक्शन में बंपर परफॉर्मेंस रहा है। पिछले सालों में 17 करोड़ से आगे न बढ़ने वाले देहरादून नगर निगम ने अभी तक फरवरी तक 40 करोड़ के पार हाउस टैक्स जमा करवाकर रिकॉर्ड बनवा लिया है। यह अभी तक की सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्शन है। नगर निगम के मेयर सुनील उनियाल के अनुसार, हमारा लक्ष्य 75 करोड़ के लगभग है। अभी मार्च महीने में भी निगम टैक्स जमा करवाएगा तो उन्हें यकीन है कि लक्ष्य के आसपास पहुंच जाएगा। वहीं नगर निगम पुराने वार्डों में खाली पड़े प्लॉट में भी टैक्स लगा रहा है। 3 मार्च से 7 मार्च तक होने वाले बजट सत्र को लेकर पुलिस प्रशासन ने 4 जोन और 7 सेक्टर में गैरसैंण क्षेत्र को बांट दिया है। पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत चौहान का कहना है कि गैरसैंण से कुमाऊं जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है, जिस पर कई आंदोलनकारी पहुंचने की कोशिश करेंगे, जिसको लेकर पुलिस ने सभी जगहों पर बैरिकेडिंग की है। उत्तराखंड की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो रही है। पहला पेपर हिंदी का है। इस वर्ष की परिषदीय परीक्षा में हाईस्कूल स्तर पर कई बच्चे हिस्सा ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि 2019 की तुलना में हाईस्कूल में 470 की और इंटरमीडिएट में 3561 परीक्षार्थियों की कमी आई है। इंटरमीडिएट की परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च तक चलेगी। वहीं हाईस्कूल की परीक्षा 3 मार्च से 25 मार्च तक चलेगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक आर के कौर ने कहा है कि 27 ऐसे केंद्रों को अति संवेदनशील है। नकल रोकने के लिए मंडल लेवल पर, जिले लेवल पर, स्कूल लेवल पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक, ट्विटर और गूगल समेत कई कंपनियों ने पाकिस्तान के डिजिटल सेंसरशिप कानून के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इनके ग्रुप एशिया इंटरनेट कोएलिशन ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को सख्त लहजे में चिट्ठी लिखकर कहा है कि अगर इस कानून में संशोधन नहीं किया गया तो वो पाकिस्तान में सेवाएं नहीं देंगे। इन कंपनियों को ऐसा कंटेंट 24 घंटों में हटाना होगा। इमरजेंसी में ये सीमा 6 घंटे की होगी। आतंकवाद, अभद्र भाषा, मानहानि, फेक न्यूज, हिंसा के लिए उकसाने और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे पर कंपनियों को नेशनल कोऑर्डिनेटर के निर्देश मानने होंगे। चीन के बाद ईरान में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कोरोना की चपेट में आने से ईरान के एक सांसद की भी मौत हो चुकी है। सांसद मोहम्मद अली रमजानी पिछले हफ्ते ही सांसद चुने गए थे। अचानक तबियत बिगड़ने के बाद जांच में कोरोना की पुष्टि हुई, जिसके बाद इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एप्पल इंक के सीईओ टिम कुक ने कैलिफोर्निया में हुए शेयर होल्डर्स बैठक में कहा है कि इस साल उनकी कंपनी भारत में ऑनलाइन स्टोर खोलेगी। कुक ने कहा है कि इसके लिए हमें सरकार से मंजूरी चाहिए। कुक ने ये जवाब एक शेयर होल्डर द्वारा पूछे गए सवाल पर दिया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर कहा कि एप्पल ये नहीं चाहती कि भारत में उसका कारोबार कोई और संभाले। शेयर होल्डर के साथ इस बैठक में टिम कुक ने यह भी कहा कि भारत सरकार से उन्हें इसके लिए अभी मंजूरी नहीं मिली है। हम भारत सरकार से बात कर रहे हैं, हमें पूरा भरोसा है कि जल्द ही ये मंजूरी मिल जाएगी। बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे की जबरदस्त चर्चा है। मूवी में एक बार फिर सलमान खान एक्शन मोड में नजर आएंगे। राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के टीजर और ट्रेलर का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म के ट्रेलर रिलीज में अभी समय है, लेकिन टीजर को लेकर नया अपडेट सामने आया है। मीडिया में आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान अपनी फिल्म राधे का टीजर होली के दिन रिलीज करना चाहते हैं। दबंग खान ने इस बारे में फिल्म के डायरेक्टर प्रभुदेवा से भी बात की है। सलमान का मानना है कि होली के दिन राधे का टीजर रिलीज करने से फैंस के बीच जबरदस्त बज बनेगा। बता दें कि राधे एक कॉप थ्रिलर है।
अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की बहुप्रतीक्षित फिल्म सूर्यवंशी को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। अब फिल्म के ट्रेलर के रिलीज डेट की घोषणा कर दी गई है। ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने बताया है कि फिल्म का ट्रेलर आज रिलीज होगा। वहीं उन्होंने ये भी जानकारी दी अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा करते हुए कि इस सूचना के साथ उन्होंने अक्षय कुमार की एक फोटो शेयर की है जिसमें वो रेड स्पोर्ट्स बाइक पर बैठे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। तरण ने बताया कि ट्रेलर 4 मिनट होगा। मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान अजय देवगन और रणवीर सिंह भी मौजूद होंगे। फिल्म 24 मार्च को रिलीज होगी। बाहुबली 2 जैसे हिट फिल्में देने वाले प्रभास सफलता की बुलंदियों पर हैं। पिछली बार एक्शन थ्रिलर फिल्म साहो में नजर आए प्रभास जल्द ही निर्देशक नाग अश्विन के साथ उनकी अगली फिल्म में नजर आएंगे। ये एक मेगा बजट फिल्म होगी। इस फिल्म की शूटिंग साल के अंत तक शुरू होगी और इसका एक बड़ा भाग यूरोप में फिल्माया जाएगा। विजयंती एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले फिल्म का निर्माण किया जाएगा जिसने इस उद्योग में अपने 50 साल पूरे कर लिए हैं। महिला T20 वर्ल्ड कप में उतरी टीम इंडिया का अजेय अभियान जारी है। भारत ने शनिवार श्रीलंका को 7 विकेट से हराकर अपने चौथे और अंतिम लीग मैच में जीत दर्ज की है। जीत की पटरी पर सरपट दौड़ रही टीम इंडिया ऐसे में मौज मस्ती का भी कोई मौका नहीं गवा रही। मौज मस्ती करने में सबसे आगे टीम की मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिक्स हैं जो डांस कर खुद को कूल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हाल ही में जेमिमा को ऑस्ट्रेलिया के एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ डांस करने का वीडियो खूब वायरल हुआ था। अब जेमिमा ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को डांस सिखा भी रही हैं। आईसीसी ने आज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जेमिमा का डांस सिखाने वाला ये वीडियो पोस्ट किया है। इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में जिस तरह भारतीय टीम और विदेशी टीमों के खिलाड़ी भाग लेते हैं उसी तर्ज पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पिछले 2 सालों में से महिला टीमों के बीच वुमेन आईपीएल शुरू किया है जिसे वुमेन्स T20 चैलेंज नाम दिया गया है। हर बार वुमेन्स T20 चैलेंज बड़ा होता जा रहा है। वुमेन्स T20 चैलेंज या यूं कहें कि वुमेन आईपीएल 2020 किस जगह खेला जाएगा इसका खुलासा भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि BCCI ने कर दिया है। कमर की गंभीर चोट से उबरकर करीब 5 महीने बाद मैदान पर वापसी करने वाले हार्दिक पांड्या पहले ही मैच में बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं। अब BCCI उन पर कड़ा कदम उठा सकता है। दरअसल 5 महीने बाद हार्दिक पांड्या DY पाटिल T20 कप में रिलायंस वन की ओर से खेलने मैदान पर उतरे। सितंबर के बाद ये उनका पहला मैच था। इस मैच में उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के साथ ही 3 विकेट भी लिए मगर मैदान पर उतरते समय वो ये भूल गए कि उन्होंने टीम इंडिया का हेलमेट लगाकर मैदान पर उतर गए और अब BCCI उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकता है।